डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रिमिटिव रूट्स पढ़ेंगे जो कि नंबर थ्योरी का टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम प्रिमिटिव रूट्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रिमिटिव रूट्स की डेफिनेशन क्या होती है? इफ यदि un इज साइक्लिक, अगर हमारे पास un साइक्लिक है तो एनी जनरेटर g फॉर un इज कॉल्ड प्रिमिटिव रूट्स मोड है। क्या अगर un साइक्लिक है तो कोई भी जनरेटर फॉर un, ठीक है? देखो, कोई ग्रुप un अगर हमारे पास साइक्लिक दिया हुआ है तो उसके जनरेटर होंगे, उसके जो भी जनरेटर होंगे ना वो प्रिमिटिव रूट्स मोड n होंगे, ठीक है? इन दिस केस g हैज ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर phi n। हमें पता है जनरेटर का ऑर्डर phi n होता है, हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है कि जनरेटर का ऑर्डर phi n होता है। तो यहाँ पे g जो है वो जनरेटर है और जनरेटर जो है प्रिमिटिव रूट्स बन रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे प्रिमिटिव रूट्स का ऑर्डर यानी कि जनरेटर का ऑर्डर जो है वो phi n है ऑफ u के लिए। एक एग्जांपल दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। u5 इज साइक्लिक विद जनरेटर 2 एंड 3। यहाँ पे u5 साइक्लिक है विद जनरेटर 2 एंड 3, इसके दो जनरेटर 2 एंड 3। अब देखो हमें क्या कैसे पता साइक्लिक है ये, क्योंकि इसका ऑर्डर इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 का ऑर्डर 4, 3 का ऑर्डर 4, यानी कि 2 और 3 दोनों का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो ग्रुप u5 जो है वो साइक्लिक है विद जनरेटर 2 और 3, इसके दो जनरेटर 2 और 3। बाकी कोई एलिमेंट्स ले लो, उनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर नहीं, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, तो वो जनरेटर नहीं होंगे। जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है वो जनरेटर बन रहे। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे निकाला, 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, 2 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसकी वैल्यू 8 आएगी, डिवाइड करके 3 आ जाएगा, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 की पावर 4 इज 16, डिवाइड 5 1 आ जाएगा। ऐसे हमने 3 के निकाल ली, हमें इजीली समझ में आ रहा है कि ये 2 की पावर 4 हमें 1 मिल रही है और 2 की पावर 3 की पावर 4 भी हमें 1 मिल रही है, बाकी कोई एलिमेंट की पावर 4 हमें 1 नहीं देगी, इसलिए 2 और 3 क्या हो गए, दोनों हमारे पास क्या हो गए, प्रिमिटिव रूट्स हो गए। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में अच्छे से आया होगा। अब मैं एक थ्योरम समझाने जा रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स में जनरली पूछी जाती है एग्जाम में। अब आपको थ्योरम देखनी है, देखो ये थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है थ्योरम की। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू यू एन इज ए प्रिमिटिव रूट्स। एक एलिमेंट जो है वो प्रिमिटिव रूट्स कब होगा, इफ एंड ओनली ए की पावर फाइव एन डिवाइड्स करता है क्यू को नॉट इक्वल टू वन इन यू एन फॉर ईच प्राइम क्यू डिवाइडिंग फाइव एन। ये हमारी स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ मैं कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि जो ए है, सपोज दैट ए इज ए प्रिमिटिव रूट है मोड एन, ठीक है? ए जो है वो प्रिमिटिव रूट है, हम ये मान लेते हैं। हमें ये दिखाना है कि ए की पावर फाइव एन अपॉन में क्यू नॉट इक्वल टू वन है इन यू एन के अंदर, ठीक है? ए अगर प्रिमिटिव रूट मोड एन है तो क्या होगा, ए का ऑर्डर क्या होगा, देन ऑर्डर ऑफ ए इज फाइव एन, और ए का ऑर्डर क्या होगा, फाइव एन होगा। अगर ए प्रिमिटिव रूट मोड एन है तो ए का ऑर्डर फाइव एन होगा। हमने अभी पढ़ा है कि प्रिमिटिव रूट क्या होता है, जो जनरेटर होता है, जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है, फाइव एन, तो ए का ऑर्डर कितना हो गया, फाइव एन हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सो फाइव एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइव एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर फाइव एन जो है वो इक्वल टू वन दे रहा है इन यू एन में, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज, इसने क्या इंप्लाइज किया कि ए की पावर आई जो है वो वन के इक्वल नहीं होगा। जहां पे आई कहां से कहां वेरी कर रहा है, आई जो है वो वन से फाइव एन के बीच में है, ठीक है? तो वहां पे जो ए की पावर आई जो है वो वन नहीं होगा, ठीक है? अब हमने आई की वैल्यू ले ली इन पर्टिकुलर
आई इज इक्वल टू फाइव एन अपॉन में क्यू। फॉर ईच प्राइम क्यू डिवाइडिंग फाइव एन, ठीक है। तो वी हैव ए की पावर i की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी, फाइव एन अपॉन में q नॉट इक्वल टू वन, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। हमारे पास यही हमें प्रूफ करना था। अब हम डायरेक्ट पार्ट को हम प्रूव कर चुके हैं, अब हम कन्वर्स पार्ट को प्रूव करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, क्या है कि भाई हमने ए प्रिमिटिव रूट्स लेके चले हैं मॉडर्न, ठीक है। ए प्रिमिटिव रूट्स है तो उसका ऑर्डर कितना होगा एलिमेंट का, फाइव एन होगा। फाइव एन जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो वन देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर आई जो है वो नॉट इक्वल टू वन होगा, जो आई जो है वन से फाइव एन के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आई की वैल्यू फाइव एन अपॉन में क्यू ले ली हमने, भाई वन और फाइव एन के अपॉन बीच में ही तो लाई कर रहा है, तो उससे छोटा ही होगा फाइव एन से, तो फाइव एन अपॉन में क्यू ले लिया, ठीक है। फॉर ईच प्राइम q डिवाइडिंग फाइव एन, वी हैव a के पावर फाइव एन अपॉन में q नॉट इक्वल टू वन। अब हमें कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। हम कन्वर्स पार्ट के लिए ये सपोज करके चलेंगे कि a के पावर फाइव एन जो है अपॉन में q नॉट इक्वल टू वन फॉर ईच प्राइम q डिवाइडिंग फाइव एन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम मान के चलेंगे इसके प्रूफ के लिए कि हमें दिखाना है कि ए जो है वो प्रिमिटिव रूट है। तो हमें इसका मतलब क्या शो करना है, हमें दिखाना है कि प्रिमिटिव रूट है तो मतलब एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए। हमें ये शो करना है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल शो करना है। भाई प्रिमिटिव रूट में हम क्या पढ़ते थे, भाई एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, यही होता था। जनरेटर का ऑर्डर वही प्रिमिटिव रूट होगा, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। हम मान लेते हैं के जो है वो ऑर्डर है ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, के एलिमेंट का ऑर्डर है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। हमने पढ़ा है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। हम क्लेम कर रहे हैं, वी क्लेम दैट कि के जो है वो फाइव एन के इक्वल हो, हम ये क्लेम कर रहे हैं। प्रूफ तो जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमें एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को इक्वल दिखाना है। हम के लिख के चल रहे हैं, के को फाइव एन के इक्वल दिखा दे तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। हम मान रहे हैं, लेट अस सपोज हम मान रहे हैं कि जो k है वो फाइव एन के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि k फाइव एन के इक्वल नहीं है, बट k फाइव एन को डिवाइड तो कर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि k जो है वो प्रॉपर फैक्टर है फाइव एन का, देन k इज ए प्रॉपर फैक्टर है वो फाइव एन का प्रॉपर फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा, फाइव एन डिवाइड k इज ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब ये हो गया। हमने मान लिया Q जो है एनी प्राइम डिवाइजर है ओ फाइव एन का। हमने मान लिया कि Q डिवाइड कर रहा है फाइव एन अपॉन में K को, इसको जो है वो Q डिवाइड कर रहा है, देन क्या होगा, अगर ये Q जो है वो इसका प्राइम डिवाइजर है फाइव एन अपॉन में K का, तो इसका मतलब क्या होगा, फाइव एन अपॉन में K इज इक्वल टू Q इंटू एम फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m के लिए, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब फाइव एन अपॉन में q इज इक्वल टू k इंटू एम, क्योंकि q कोई भी प्राइम फैक्टर था वो डिवाइड कर रहा था। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास ये आ गए, फाइव एन अपॉन में k इज इक्वल टू q इंटू एम। अब हमने इसको इंटरचेंज करके लिख दिया, ठीक है। अब ऑर्डर क्या था a का, सिंस ऑर्डर ऑफ a इन यू एन के अंदर इज के, ऑर्डर के था ए का जो ऑर्डर था वो के था, तो इसका मतलब क्या हो गया,
वी हैव, इसका मतलब क्या हो गया कि ए की पावर के वन देगा यूएन के अंदर, तो दिस इंप्लाइज, इसने क्या इंप्लाइज किया कि ए की पावर फाइव एन अपॉन में क्यू, भाई ए जो था वो ऑर्डर था, हम मान के चले थे कि के जो है वो ऑर्डर है ऑफ द एलिमेंट ए का, ए का अगर ऑर्डर के है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए के पावर के हमारे पास वन होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया हम के यहाँ पे कह रहे हैं तो इसका मतलब ए के पावर फाइव एन अपॉन में क्यू क्या होगा, ए की पावर के इंटू एम, तो ए की पावर के इंटू एम, और ए की पावर के किसका इक्वल है वन, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि ए की पावर फाइव एन अपॉन में क्यू इज इक्वल टू वन, ये वन आ गया, ठीक है, और हम मान के चले थे कि वन के इक्वल है नहीं, तो वी सी कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई जो कि कॉन्ट्राडिक्शन टू द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस से कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई हमें, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा के होगा वो किसके इक्वल होगा फाई एन के, क्योंकि हम क्लेम हम मान के चले थे कि के जो है वो फाई एन के इक्वल नहीं है, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन मिली, अगर हम के फाई एन को इक्वल मान लेते तो पहले ही काम हो जाता हमारा, हमने मान लिया कि के फाई एन के इक्वल नहीं है तो हमारे पास यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है, एंड फो इसलिए क्या हो गया ए जो हो गया वो प्रिमिटिव रूट मोड एन हो गया, प्रिमिटिव रूट मोड एन हो गया। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी, देखो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको कन्वर्स पार्ट को रिवाइज करा देती हूँ, डायरेक्ट पार्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ए के पावर फाइव एन हमने मान लिया कि ये वन के इक्वल नहीं है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई के जो है वो ऑर्डर लेके चल रहे हैं एलिमेंट का, अगर के ऑर्डर है तो के ऑर्डर जो होता है एलिमेंट का वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी कि के जो है वो फाई एन को डिवाइड करेगा, तो हम क्लेम कर रहे हैं कि के जो है वो फाई एन के इक्वल, हम क्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें शो करना है कि ए जो ए है वो प्रिमिटिव रूट है, तो इसलिए हम के को हम फाई एन मान क्लेम कर रहे हैं, बट हमने कहा हमने मान लिया कि के जो है वो फाई एन के इक्वल नहीं है, तो के फाई एन के इक्वल नहीं है तो के क्या होगा प्रॉपर फैक्टर होगा फाई एन का, के अगर प्रॉपर फैक्टर है फाइन का तो इसका मतलब फाइन अपॉन में के जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि क्यू जो है वो प्राइम डिवाइजर है फाइन अपॉन में के का, इसको ये वन से बढ़ा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्यू जो है वो प्राइम फैक्टर है, प्राइम डिवाइजर है फाइन अपॉन में क्यू के का, तो इसका मतलब क्या हो गया फाइन अपॉन में के जो है वो क्यू इंटू एम हो गया, तो फाइन अपॉन में के अगर क्यू इंटू एम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया हम यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया, फाइन अपॉन में क्यू फाइव एन अपॉन में क्यू इज इक्वल टू के इन टू एम हो गया, फिन ऑर्डर ऑफ ए, अगर ए का ऑर्डर यू एन के अंदर के है तो इसका मतलब ए की पावर के इज इक्वल टू वन, तो इफ ए की पावर के, के की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, के इन टू के की पावर अगर हम एम कर लेते हैं यहाँ पे देखो तो हम इसकी वैल्यू रख के हमने देखी कि ये वन मिल रहा है, वन मिला तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इसकी पावर भी एम कर ली, इसकी पावर भी एम, अब इसकी वैल्यू कितनी है ये, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो हमने देखा कि ये वन मिल रहा है जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या थी कि वन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब हमने जो माना था वो हमारा गलत था, तो के कितना हो गया फाइव एन, तो फो ए इज ए प्रिमिटिव रूट मोड एन। अब आपको इसके पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप वहां से पढ़ सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो मैं रोज़ प्रोवाइड कराती रहूँगी, पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है।